Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswat Devi Gauravani Prasarine Nirvishesha Sunyavadi Paschadde Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Priya Sakhe Punaha Agaha Preyasa Presitah Kim Varaya Kimanurundhe Varaya Kim Anurundhe Mananiyaha Asi Me Anga Nayasi Katham Iha Asman Dustyaja Dvandva Parsvam Satatam Urasi Samya Ab bhav badal gaya Bramar ko Samya kahane lage Susil Srihi Badhuhu Sakam Aste Priya Sakha Punaragaha Preyasa Presitah Kim Varaya Kimanurundhe Mananiyo Simenga Nayasi katham ihasmam dustyaja dvandva parsvam Satatamurasi saumya shrir badhu sakamaste Aar bhi ek shlok hai Api bat madhupur yam arja putra dhunaste Smarati sa pitri gehan somya bandhun sa gopan Kvachidapi sa kathanah kinkarinam grinite Bhujam aguru sugandham murdhanya dhasyat kadanam Thank you.
अपिवत मधुपुरिया मार्ज पुत्र धुनास्ते स्मरत सपित्र गेहं सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि सकता न किंकरीणां गृणीते भुजमगर सुगंधं मूर्धन्यधास्य कदा न प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषिता किम् बरयति मनोरंधे माननीयोऽसि मूलः नयसि कथमिहास्मन् दुस्तजद्वन्द्वपार्श्वम् सततं रसि सौम्या श्रीवधूसातमास्ते अपिवत मधुपुर्याम् आर्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति सपितृगेहान् सौम्य बन्धोश्च गोपान् क्वचिदपि स कथा नः किंकरीणां गृणीते भोजन गुरु सुगन्धां मूर्धन्यधास्यत्कदानो प्रेषितः किम्
सततमुरसि सौम्यं श्रीवधूसाकमस्ते अपिबत मुदपुण्यामाजपुत्रोदमस्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुश्च गोपा क्वचिदपि स कथा न किं कर्णा गृहीणे भुजमगुरुसुगन्धम् उद्धदास्य तदा प्रियसख पुनरागा प्रियसा प्रेषितः किम् वरयति मनुरुन्धे माननीयोऽसि मेघा नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वम् सतति मुरसि सौम्या श्रीर्वधू साकमस्ते अपिबत मधुपूर्यमार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुश्च गोपान् पितृगेहान् सौम्य बन्धु क्वचिदपि स कथा न किं करीणां गृहीते भुजम गुरु सुगन्धं मूर्धनि दास्य कदा नो लयसि कथमिहास्मान् दुस्तज्जुन्दपार्श सततमुरसि सौभ्यासिरिवधूसाकमास्ते श्लोक पूरा करने दीजिए प्रिय सखे हे मेरे प्रियतम के मित्र पुनः पुनः आगह आगे प्रेषा प्रेषितः किं क्या प्रियतम ने तुमको पुनः भेजा वरया हमसे मांगो किं क्या अनुरुंधे चाहते हो हमारी क्या कामना है माननीय तुम मेरे आदर के पात्र
है पूज्य असी हो मैं मेरा अंग हे प्रिय नयसी तब जो भ्रमर ने कहा कि हम यही मानते हैं कि आप मधुपुरी चलिए तब ये कहते हैं नयसी ले चलोगे कथन कैसे यहा मथुरापुरी में आसमान हमको दुस्तेज द्वंद पार्श्वान श्री कृष्ण तो कभी अकेले रहते नहीं हैं मधुपुर की स्त्रियों से घिरे होंगे। भ्रमर कहता है नहीं बिल्कुल कोई स्त्री नहीं साथ में रहा। तब राधारानी कहती हैं लेकिन एक स्त्री तो हमेशा साथ में रहती है सततम सब समय और वो भी उरसी वक्षस्थल पर ही सौम्या हे सोम वंश उत्पन्न परम सुशील स्वभाव वाले श्री ही लक्ष्मी वधु उनकी पत्नी बन करके साकं साथ में ही आस्ते रहती है। तो श्री राधा रानी का भाव बदल गया और वे अनुकूल भाव से भ्रमर से कहती हैं पहले कलहांतरिता के समान वे मान में श्री कृष्ण के दोषों का आविष्कार कर रही थी और दूत को भी वैसा ही कपटी कह रही थी। अंत में कह दिया कि भण्यता मान्यवारता तुम दूसरी बात करो और यहाँ से जाओ कपटी के मित्र तुम कपट कर रहे हो और बातें बना रहे हो हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। इतने पर भौंरा चला गया कहीं इधर उधर भ्रमर का स्वभाव है उड़ करके किसी दूसरे पुष्प को बैठा होगा या श्री राधा रानी महाभाव में प्रेम वैचित्र्य के कारण ऐसा समझने लगी कि भ्रमर चला गया। गया नहीं था चरम पर ही था लेकिन उनको भाव होने लगा कि चला गया अथवा सचमुच के कुछ देर के लिए भंवरा कहीं चला गया होगा। तब राधा रानी का भाव बिल्कुल बदल गया। यही भाव सब समय रहता है कभी कभी मान होता है। वे सोचती हैं जब भंवरा आ गया चरण पर तब ये वाक्य बोल रहे हैं। वे थोड़े देर के लिए प्रतीक्षा करने लगी कहाँ गया मेरा चरण छोड़ करके कहाँ चला गया। जब आया तब कहते ओहो मेरे वचन बाणों से ताड़ित होकर भी मेरे वचन बाणों से ताड़ित हुए चले गए और फिर भी मेरे द्वारा अपमान सह करके भी आ गए। कहाँ गए थे मथुरा गए थे प्रीतम ने फिर से तुमको भेज दिया। प्रिय सखे प्रियस्य कृष्णस्य सखे हे प्रियतम के सखा पहला संबोधन करते अब श्री कृष्ण को प्रिय कहने लगे और भ्रमर को प्रिय का सखा संबोधन में प्रिय सखे कहेंगे। प्रिय सखे अर्थात प्रियतम श्याम सुंदर के सखे किम प्रेयसा प्रेषितः पुनः आगा क्या प्रियतम ने तुमको भेजा है।
मैं तो बहुत उनके विषय में निंदा की बात कही, उनकी निंदा की, सब जा करके कहा होगा ना, पर इसके बाद भी प्रियतम तुमको भेजे हमारे प्रियतम सद्गुण के अनंत सागर हैं, उनमें अद्भुत गुण है, मेरे अपराध को क्षमा करके और श्याम सुंदर ने पुनः भेजा और पुनः मेरे द्वारा तिरस्कृत होकर के भी, वचन बाणों से ताड़ित होकर के भी तुम पुनः आए। ओहो तुम कितने सुंदर हो, तुम परदोष ग्राही नहीं हो, हमारा दोष तुमने नहीं देखा, फिर आ गए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ वरया, तुम जो चाहते हो वर मांगो। उसको पहले कपटी कह रही थी, क्या क्या कह रही थी, अब भाव बदल गया, तो कहती वरया वरण करो कि मनोरुंध है, तुम क्या चाहते हो, कि मैंने क्या अनुरुंध है, मैंने अनुरुंध से एक्चुअली द्वितीय में उसके लिए समुद्र कर रहे हैं, कि मनोरुंध है, क्या कामना है तुम्हारी, क्या चाहते हो। माननीय असी, तुम मेरे माननीय हो, मेरे प्रिय के दूत हो, तुम्हारा बहुत अच्छा स्वभाव है, एक बार तिरस्कार तिरस्कृत हो करके भी फिर आना, फिर वैसी चरण को पकड़ना। तो राधा रानी कहती हैं तुम मेरे पूज्य हो, तुम मेरे प्रिय हो, हे प्रिय भंवरा, अंग अंग का अर्थ है हमारे शरीर के समान प्रिय, तुम हमारे प्रिय हो, अतः मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ, की मवरुंध है, क्या चाहते हो, मैं तुमको क्या दूं। कितना भाव बदल गया। तो वो भ्रमर भनभन भनभन कर रहा है, तो राधा रानी समझती हैं कि ये कह रहा है कि हे स्वामिनी, हे वृषभानंदिनी, हे श्रीराध, आपसे एक ही मांग है कि आपके बिना श्याम सुंदर मथुरा में तड़प रहे हैं, आप कृपा करके मथुरा चलिए। ये सब अपने मन का ही भाव है, भंवर भंवर भ्रमर कहे को कहने जाए, लेकिन राधा रानी ये समझती हैं कि कह रहे हैं कि मधुपुरी चलिए, मथुरा चलिए। तो ये कहती हैं तुम उसको ले चलना चाहते हो वहाँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या है वहाँ की, लेकिन वहाँ हम लोगों का गुजारा कैसे होगा, हम मथुरा जाएंगे तो कैसे कृष्ण के साथ रहेंगे, वहीं पर मथुरा की स्त्रियाँ घेरे रहती हैं हमेशा उनको, कभी तो अकेले रहते नहीं। दुस्तज द्वंद्व पार्श्व, श्री कृष्ण के लिए द्वंद्व पार्श, किसी न किसी के साथ रहना, ये त्याग देना बड़ा कठिन है। और वहाँ पर मथुरा में वे स्त्रियों से घिरे हुए हैं, राधा रानी अपने ही भाव को सब जगह देख रही हैं, जैसे मैं कृष्ण को कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ तो मथुरा की स्त्रियाँ उनको छोड़ती नहीं होंगी, हमेशा घिरे रहती हूँ। अतः मथुरा की स्त्रियाँ जहाँ बैठी हैं वहाँ मैं कैसे जाऊँगी। भंवरा ने कहा कि स्वामिनी जी जब आप वहाँ आएंगी तो आपको देखकर सब भाग जाएंगे, श्री कृष्ण खुद भगा देंगे कि भागो भागो भागो। वो नहीं बोल रहा है, राधा रानी स्वयं ही सोच रही है, अगर ये कहे कि मैं जब जाऊंगी मथुरा तो मथुरा की स्त्रियाँ किस गिनती में है मेरे आगे, वो भाग जाएंगी। लेकिन एक बहुत ढीठ स्त्री है जो कृष्ण के साथ हमेशा रहती है, यहाँ जब थे तब भी रहती थी, लेकिन हमारे डर से वो स्वर्ण रेखा के रूप में रहती थी। वक्षस्थल पर जो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है वो स्वर्ण रेखा है, सांवले शरीर पर पीत वर्ण की रुमावली है,
वही लक्ष्मी जी का जिसको श्रीवत्स कहते हैं वो निवास स्थान है। तो राधा रानी लक्ष्मी जी से हमेशा सौती अड्डा रखती है। ब्रह्मर कहा कि अगर लक्ष्मी रहती है तो रेखा के रूप में रहती है ना, तो यहाँ भी थी जो ब्रज में थे और आप मिलती थी तब भी लक्ष्मी रहती थी रेखा के रूप में। अरे नहीं ब्रह्मर, जब और स्त्रियाँ कृष्ण के साथ रहती हैं जैसे हम लोग रहती थी तब वो देवी है ना, अनेक शक्ति है उसमें, माया शक्ति जानती है लक्ष्मी, तो रेखा के रूप में हो जाती थी। और जब कोई स्त्री कृष्ण के साथ नहीं रहती है तो मूर्तिमान होकर के उनके साथ रहती है, अपने स्वरूप में रहती है देवी बन करके, तू तो रहती ही है, कैसे ले जाओगे मुझको वहाँ। सतत मूल शिशव में श्री वधु साक मास्त, एक एक ही श्लोक में प्रिय साख अंग और सौम में संबोधन कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छे व्यक्ति। वास्तव में तुम तो उस श्लोक के अनुरूप हो कि त्रिणादपि सुनी चैना तरो दिवस है सुनना। तुम अपने अपमान पर कुछ भी ध्यान नहीं दिए, मेरे कठोर वचनों को भुला दिए। अच्छा वही है ना जो किसी के कठोर व्यवहार को भूल जाए, गाली को भूल जाए। मैंने क्या क्या कहा अपने प्रीतम के विषय में और तुम्हारे विषय में, लेकिन तुम सब भूल गए और फिर आए। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छे हो तुम, परंतु तुम्हारे स्वामी अच्छे नहीं हैं, श्री कृष्ण अच्छे नहीं हैं। अभी अनुकूल भाव हो गया है, एकदम क्रोध चला गया है, तब तक दूत के प्रति इतना सुंदर वचन बोल रहे हैं भ्रमर के प्रति। लेकिन ये कहीं बड़ा दुख है, भ्रमर के श्री वधु लक्ष्मी उनकी पत्नी जैसी सदा साथ रहती है। वधु का खास पत्नी श्री वधु, अब वो वधु बन गई है। यहाँ तो डरती थी हमसे या और सखियों से, लेकिन वहाँ तो फ्री हो गई होगी, अब तो वधु बन गई है। सदा रहती है, जब अन्य स्त्रियाँ रहती हैं कृष्ण के साथ तो रेखा के रूप में हो जाती है, और जब कृष्ण अकेले होते हैं तो उनके छाती पर चढ़ बैठती है उरसी, और छाती पर रहती है। उरसी का अर्थ है कि श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर ऊपर रहती है। ये भी स्मरण आ रहा है कि इतनी ढीठ है, निर्लज्ज है, विपरीत रति करती है लक्ष्मी उसके पास। वो जब तक रहे कि मैं नहीं जाऊंगी, ये जाने के लिए तैयार हैं भाव से श्रीमती राधा रानी मथुरा जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहती हैं कि जब तक वो श्री है, लक्ष्मी है, और वही श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर, तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं ये नहीं सह सकती हूँ। मैं कृष्ण की सबसे प्रिया हूँ, कृष्ण जब अकेले होंगे तब मैं जा सकती हूँ, मैं और किसी के साहचर्य को पसंद नहीं करती। इस तरह से लक्ष्मी बोल रहे हैं, श्री राधा रानी बोल रहे हैं। इस श्लोक में प्रति जल्प है, जिस जल्प में प्रियतम के अनुकूल बोला जाए परंतु फिर भी साथ करने जो नहीं है ये कहा जाए तो उसको प्रतिजल तो कहते हैं। मान गई है राधा रानी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं परेशान हूँ उस लक्ष्मी से,
हमारी सौत बन करके लक्ष्मी हमको सता रही है। श्री रूप गोस्वामी पाद जी लिखे हैं, अत्र दूतम सम्मान्यापि, दूत का आदर करके भी और उसकी उक्ति को अंगीकार कर स्वीकार करके भी अनौचित्यम ज्ञापयन्ति, लेकिन कृष्ण के पास जाना उचित नहीं है। ऐसी उक्ति में प्रतिजल्प है, दुस्तज द्वंद्व भावेस्मिन प्राप्ति नारहत अनुद्धतम दूत सम्मान ने नोक्तम तत्र स प्रतिजल्प। ये प्रतिजल्प, दूत का आदर करके भी उसकी बात को स्वीकार करके भी और कृष्ण का संग नहीं, कृष्ण के संग का उचित नहीं बताना, अनुचित बताना, इसको प्रतिजल्प कहा गया। यह बिल्कुल अनुकूल भाव हो चुका है, इसके बाद भी भौरे ने, दूत ने श्रीमती राधा रानी को मनाया कि नहीं, लक्ष्मी वहाँ नहीं रहती है, उनके यहाँ प्रकट नहीं होती है, ये आपकी कल्पना है, ये है ये। किसी तरह से उसने मना लिया कि चरण कमल पर लौट रहा था, तो श्रीमती राधा रानी मान गई पूरा। तो अनुकूल भाव से प्रश्न करती हैं, जो प्रश्न शुरू में ही करना चाहिए था उस प्रश्न को बाद में करें, क्योंकि उस समय क्रोध में थी तो समाचार क्या पूछे। तब पूरा प्रसन्न हो गई हैं तो पूछती हैं, अपि बत मधुपुर जाम आर्जपुत्र धुनास्ते, एक समाचार पूछा, एक प्रश्न है। अपि का अर्थ अभी भी, हे भ्रमर, क्या अभी भी हमारे आर्ज के पुत्र श्री नंद बाबा के पुत्र मधुपुरी में ही है ना, इसलिए पूछ रहे हैं कि यदि मधुपुरी में होंगे, मथुरा जी में होंगे, तो यहाँ से आने में सुविधा रहेगी, बहुत निकट है, कहीं और दूर तो नहीं चले गए, मथुरा में ही है ना। इनको पता है कि किसी ने कहा था, पौर्णमासी जी ने कहा था जैसे तैसे कि कृष्ण मथुरा रहेंगे, द्वारका जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। तो राधा रानी पूछ रहे हैं कि अभी मथुरा में ही है ना, गुरुकुल से आ गए हैं ना, अवंतिका में गुरुकुल में श्री कृष्ण और श्री बलराम पढ़ रहे थे, उसके बाद मथुरा में आए हैं। तब आने के बाद तब वे उद्धव जी को दूत बनाकर भेजे। तो राधा रानी पूछती हैं कि हमारे आर्ज पुत्र, पहले आर्ज का अर्थ समझना चाहिए, आर्ज का अर्थ होता है रिजू, सीधा साधा। नंद बाबा एक परम सुशील व्यक्ति है, सीधा साधा। तो नंद बाबा को वसुदेव जी ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा करके भेज दिया और कृष्ण को ले लिया। वसुदेव जी कृष्ण को रख लिए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से गए मथुरा, तो वहाँ किसी तरह से कृष्ण को रख लिए वसुदेव जी और नंद बाबा को भेज दिए, अब जाइए गाय देखिए, गोपों को देखिए। तो राधा रानी के यह कहने का यह भाव है कि नंद बाबा को फुसला करके इसी तरह से ठग लिया वसुदेव जी ने और बाबा को भेज दिया कि अब नंदगांव जाइए और कृष्ण को रहने दीजिए। बड़े सीधे साधे हैं, तो सीधे साधे
पिता के पुत्र हैं श्याम सुंदर, ये भी उतने ही सीधे हैं। भाव पूरा बदल गया है, आर्ज पुत्र कह रहे हैं। नंद बाबा एक संत हैं, साधु पुरुष, अच्छा है, सरल है, सरल चित्त है उनका। तो जैसे नंद बाबा को वसुदेव जी और जादू ने भेज दिया ब्रज में और कृष्ण को छोड़ करके आ गए, इतने सीधे साधे हैं कि कृष्ण को वहीं छोड़ करके आ गए। और इसके बाद मैं जानती हूँ कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को जादवों ने, वसुदेव जी ने फंसा करके वहीं रख लिया। ये भी बड़े सीधे साधे हैं, नहीं तो एक दिन भी नहीं रहते। अगर उनको नहीं फुसलाए होते लोग तो ये आ करके ब्रज में हम लोगों के साथ रहते। जैसे आर्ज हैं नंद बाबा, तो कृष्ण भी आर्ज पुत्र हैं, सीधे साधे। जरूर उनको अनेक युक्तियों से जादवों ने फंसाया होगा मथुरा में, अनेक बात कह करके तब वे रह गए, नहीं तो नहीं रहे होते। आर्ज पुत्र से राधा रानी ये कह रहे हैं। और आर्ज पुत्र खास करके अपने पति को कहा जाता है। श्रीमती राधा रानी का भाव ये है कि मैं तो उनकी पत्नी हूँ, केवल लोक दृष्टि से कोई दूसरा पति है, लेकिन मैं तो कभी मानती नहीं, कभी से कोई हमारा संपर्क नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमारे वास्तविक पति से हम सुंदर हैं। इसलिए आर्ज पुत्र कह रहे हैं। आर्ज पुत्र मतलब हमारे पति देव। तो अभी वे उज्जैन में हैं, गुरुकुल में हैं कि गुरुकुल से पढ़ करके और आ गए मथुरा, ये प्रश्न है। बत हर्ष में प्रयुक्त हुआ है, बत हर्ष, हर्ष में बोल रहे हैं। हमारे प्रियतम श्याम सुंदर अवंतिका से पढ़ करके आ गए हैं या सुना है, तो अभी मथुरा में ही है ना। जैसे अवंतिका गए थे ऐसे कहीं दूसरी जगह तो आगरा वगैरह तो नहीं गए हैं, कोई आसपास के शहर में जा सकते हैं, हाथरस जा सकते हैं, आगरा या भरतपुर चले जाएंगे, मथुरा में ही है ना। दूत से भेंट हुई है शुरू में उद्धव जी से, तो राधा रानी ये सब समाचार नहीं पूछी, भ्रमर से अब पूछ रहे हैं कि हमारे प्रियतम मधुपुरजन अधुना आस्ते इस समय भी, अधुना अपि यहाँ से लेना पड़ेगा, अधुना अपि इस समय भी हमारे प्रियतम मथुरा में ही है ना। अच्छा, एक एक प्रश्न ये हुआ। ये प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है कि राधा रानी अगर ये सुनेंगे कि मथुरा में है तो बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि मथुरा से उनके आने में सुविधा रहेगी, देर नहीं होगी, दूरी नहीं है। अब दूसरा समाचार पूछ रही हूँ। स्मरति स पितृगेहं सौम्य बंधुंश्च गोपान, हे सौम्य, हे चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले, हे निष्कपट आचरण वाले, भावना से पूछ रहे हैं। मथुरा में रहकर आप तो साथ ही रहते हैं श्री कृष्ण के, तो आप जानते होंगे कभी अपने पिता के घरों को याद करते हैं, नंद बाबा के गृह को, नंद गांव को, या अन्य जगह भी जो भवन है उसकी याद करते हैं क्या? स्मरति स पितृगेहं अपी प्रश्न में है, क्या अपने पिता का घर याद करते हैं जहाँ वे जन्म लिए हैं, खेले हैं, खाए हैं, बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो कभी
पिता की याद करते हैं, पिता के घर की याद करते हैं, इसका अर्थ क्या अपने माँ की याद करते हैं जसोदा जी की और नंद बाबा की याद करते हैं। गेहन शब्द बहुवचन में है, गेहन का अर्थ बहुत से घर, केवल गेहन रहता तो इसका अर्थ है घर। वास्तव में नंद बाबा का जो महल था वो नंद गांव में था, वही उनका मूल गांव है, इसलिए आज भी कहा जाता है नंद ग्राम, नंद गांव। राधा रानी के भावों को यह कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना चाहिए। वे कहती हैं कि स्मरति सत पितृ गेहं, इसमें कहीं भी श्री कृष्ण का नाम नहीं है, केवल नंद नंदन ऐसा है, आर्य पुत्र नंद बाबा के पुत्र, कृष्ण आदि शब्द नहीं है। परम प्रेम से नाम का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, अनुकूल भाव हुआ है ना, यदि प्रतिकूल भाव है, मान है, तो वे कृष्ण कृष्ण कह सकती हैं तिरस्कार के लिए, लेकिन वे जब ही कृष्ण शब्द कहेंगे तो इनको इनकी वाणी स्तब्ध हो जाएगी, गदगद हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, आर्य पुत्र कह रहे हैं। तो क्या ये अपने पिता के घरों की याद करते हैं, गृहों की याद करते हैं? तो नंद बाबा का घर नंद गांव में था, विशाल प्रासाद, लेकिन इसके साथ नंद बाबा के और भी घर थे, गौओं को चराने के लिए जगह जगह छावनी बनाए थे, घर बनाए थे, जैसे गोकुल में, महावन में या गोवर्धन में और काम्य वन में, जगह जगह। श्री कृष्ण बलराम जब गौएं चराते थे तो उनके सुख के लिए नंद बाबा ने कई जगह पर घर बनवाया था। एक साधारण आदमी का भी कई फ्लैट होता है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, तो नंद बाबा के लिए तो कहना ही नहीं, तो इसीलिए गेहन शब्द का प्रयोग किया गया। स्मृति स पितृ गेहन, स स का क्या अर्थ है यहाँ? स का अर्थ है मथुरा निवासी, जो श्री कृष्ण इस समय मथुरा में निवास कर रहे हैं, तो वहाँ तो जादुओं की राजधानी है, वहाँ विहार कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो कहीं अपने को मथुरा वाला ही तो नहीं मान लिए, मथुरा में निवास करते हैं तो